नमस्कार साथियों, आज इस देश में महामारी फैली हुई है और उसको रोकने में एक बहुत बड़ा योगदान सैनिटाइजर का है, हाथ को साफ रखने के जो पदार्थ आते हैं उनका है। लेकिन जो है इस देश का दुर्भाग्य है कि 100 रुपये वाला सैनिटाइजर इस समय 500 रुपये में ब्लैक हो रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको ऐसा सैनिटाइजर बताऊं कि आपको बाजार से मजबूरी में ब्लैक में सैनिटाइजर ना खरीदना पड़े। तो इसके लिए मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी, थोड़ी चीज़ों को इकट्ठा शुरू करा और उसी दौरान एक हमारे क्लिनिक पे एक मित्र आए, उनका नाम शुभम अग्रवाल जी है, हमारे साथी हमारा भाई है। तो वो हमारे क्लिनिक पर आए और उन्होंने हमें जब भाई अब आजकल जिस मर्ज की चर्चा फैली है तो क्लिनिक पे भी लोगों से चर्चा हो जाती है, तो उन्होंने हमको चर्चा में बताया कि उनकी 100 वर्ष की जो दादी जी हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, उन्होंने घर में अपने बच्चों परिवार के लिए हैंड सैनिटाइजर तैयार कराया वह नुस्खे से जो वह 100 साल से करती आ रही। तो इतना पुराना अचूक नुस्खा उन्होंने हमको बताया। जब उन्होंने हमको यह नुस्खा बताया तो मैं उन पे पहले भरोसा नहीं करा, मैंने उसको गूगल करके उन्होंने जो जो नुस्खे के कंपोनेंट्स बताए थे उनके बारे में जानकारी ली कि आखिर क्यों यह काम करता है, और हमने पाया वास्तव में यह अतुलनीय है, अद्भुत है, अनोखा है। तो हमने कहा क्यों ना इस पे आप लोगों को एक वीडियो बनाया जाए इस विपत्ति के समय में, और ऐसे भी हाथ साफ रखना तो आज विपत्ति है कल ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ही चला जाएगी समस्या इस देश से, लेकिन जो है वह हैंड को सैनिटाइज करना तो हमेशा के लिए ही अच्छा है। हम आपको बताते हैं वो हैंड सैनिटाइजर जो आप घर में बना सकते हैं, जो हमें 100 साल वर्ष की उम्र की दादी जी ने बताया है, और जब हमने इसको गूगल करा तो जाना कि ये बहुत कारगर है। हम आपको बताएंगे वो नुस्खा एक साइंटिफिक टच के साथ, वो हैंड सैनिटाइजर जो आप अपने घर में बना के रख सकते हैं और अपने परिवार, बच्चों, बड़े बुजुर्गों सबको सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत आसान नुस्खा है साथियों, बहुत कोई कठिन बात नहीं है उसमें। आपको वो सारा सामान जो आपके आसपास उपलब्ध है उसी से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस कष्ट करना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ सामान उसमें से लाने के लिए, लेकिन वह निशुल्क है। बताते साथियों आपको एक बेहतरीन हैंड सैनिटाइजर घर में बनाने का अचूक नुस्खा, जो हमारी 100 साल पुरानी मरीज हमारी दादी जी ने हमको बताया है। हम आपको साथियों बताते हैं वह जादुई नुस्खा, वह हैंड सैनिटाइजर जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है साथियों, आपको टहलते टहलते सुबह के टाइम उठना है, किसी पार्क में चले जाना है जहाँ पे नीम का पेड़ हो, वहाँ से आप 50 पत्ती किसी नीम के पेड़ से तोड़वा लेनी है, और आपको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कहीं पे आपको श्यामा तुलसी, जो काली वाली पर्पल तुलसी होती है, उसका पेड़ ढूंढ के उसकी आपको 10 या 15 पत्ती का इंतजाम कर लेना है। अगर काली वाली तुलसी ना मिले तो फिर आप हरी वाली तुलसी भी ले सकते हैं, इसका आपको 20 पत्ती ले लेना है। थोड़ा सा आपको कपूर यानी कैम्फर ले लेना है और थोड़ा सा आपको फिटकरी ले लेनी है, यानी 50 पत्ती आपको नीम की ले लेनी है, 20 पत्ती आपको तुलसी की ले लेनी है। आपको एक चुटकी भर बस एक 5 ग्राम मान लीजिए, 5 ग्राम से भी कम आपको कैम्फर ले लेना है और थोड़ी सी 5 ग्राम आपको फिटकरी ले लेनी है। आपको वापस घर आ जाना है और आपको जो आप नीम की पत्ती लाए हैं और जो आप तुलसी की पत्ती लाए हैं इनको अच्छे से धो के आपको पानी में उबाल लेना है। 1 लीटर पानी में आप 50 पत्ती नीम की डाल दीजिए, 20 पत्ती तुलसी की डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, उसको इतना उबाल लीजिए जब वह पानी आधा रह जाए साथियों, तो उसमें आपको वो आधा रह जाए और ठंडा हो जाए तो उसमें आपको कैम्फर यानी कि कपूर डाल देना है, और जो आप फिटकरी लाए हैं पोटेशियम एलम वो डाल देनी है और इसको आपको रख लेना है। अब जब भी आप घर से आए, घर पे आए
या बाहर से, तो आपको इसी में, अपने ऑफिस में भी आप इसको रख ले, आपको अपने हाथ इसी में एक बार डिप कर लेने। यह बहुत अच्छा हैंड सैनिटाइज़र है जो आप घर में बना सकते हैं। और हमको ये भी समझना होगा कि ये क्यों काम करेगा। नीम में साथियों एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि उसमें दो कंपाउंड पाए जाते हैं, पहला है ट्राइटरफिनॉइड और दूसरा है ग्लाइकोसाइड्स। ट्राइटरफिनॉइड और ग्लाइकोसाइड यह एंटीवायरल कंपाउंड होते हैं जो नीम में पाए जाते हैं। तो जब आप इस मिक्सचर को बनाते हैं तो स्वतः यह दो कंपाउंड आपके उस भगोने में आ जाते हैं जिसको तुलसी यानी ऑसिमम सेंटेनम में साथियों टेरीफिनॉइड और पॉलीफिनॉइड पाया जाता है। या टेरीफिनॉइड और पॉलीफिनॉइड भी एंटीवायरल कंपाउंड है, यह भी आपके सल्यूशन में है, तो उस यह आपको एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसी कारण तुलसी से भी आपको आपके हैंड सैनिटाइजर में मिलती हैं। नीम पाया जाता है। कैम्फिसिन वह कंपाउंड है जो हीमोग्लुटिनिन्स को ब्लॉक करता है। हीमोग्लुटिनिन्स वो कंपाउंड होता है जो आपके आरबीसी को एक साथ क्लंप होने से रोकता है, तो इस तरह यह आपको एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देता है। और चौथा कंपाउंड जो इसका पोटाश एलम यानी कि फिटकरी है, वह जो है कैटलिस्ट का काम करती है किसी भी एसिडिक रिएक्शन में। तो आपने तीन कंपाउंड, तो जो आपका नीम है वो एंटीवायरल हो गया, जो आपका तुलसी है वह एंटीवायरल हो गया, कैम्फर एंटीवायरल हो गया, और जो पोटाश एलम है यह इन तीनों के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है, उनके कैटलिस्ट का काम करती है। तो आप इस हैंड सैनिटाइज़र को बना के अपने घर पर रख सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं, अपने परिवार को निरोग रख सकते हैं। आपके मन में साथियों इस वीडियो से कोई क्वेरी आ रही हो तो आप हमें YouTube नोटिफिकेशन या WhatsApp पर अपनी क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के माहौल में यह ज़रूरी है, जब हर चीज़ ब्लैक हो रही है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथी और इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.